नमस्कार, मैं हूं अश्वनी कुमार और यह मेरा सन देवांग। जैसे कि आप जानते हैं, हम समय यात्रा के जरिए हर महीने प्रेडिक्शंस करते हैं और अब तक हमने समय यात्रा के जरिए जितने भी प्रेडिक्शंस की हैं सभी सटीक साबित हुई है। हमने लास्ट एक प्रेडिक्शन किया था कि 22 दिसंबर से लेकर जनवरी के अंत तक हमारे देश में ऐसी कौन सी घटना घटेगी जो न्यूज़पेपर में और न्यूज चैनल में बहुत बड़ी खबर बन सकती है। तो हमने जो प्रेडिक्शन किया था कि 22 दिसंबर से लेके जनवरी महीने में भगदड़ की घटना हो सकती है और यह प्रेडिक्शन किया गया था कि कोई बहुत बड़ा प्लांट है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे आगजनी हो सकती है, जिसकी वजह से कोई एक ऐसा रास्ता है जहां से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और एक ऐसी भी भविष्यवाणी की गई थी कि कोई ऐसी ऊंची दीवार जैसी है, वहां पर कुछ लोग चढ़ जाते हैं और वहां से नीचे कुछ लोग गिरते हैं और उस वजह से भी भगदड़ हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी भविष्यवाणी थी कि भगदड़ मचेगी, तो मैं आपको बता दूं 3 और 4 जनवरी को आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की जनसभा में लगातार 3 दिन के अंदर अंदर 2 बार ऐसी भगदड़ की घटनाएं घटी और जिसकी वजह से 15 से अधिक लोगों की जानें भी गई। उतना ही नहीं, लेकिन नासिक के पास जो जिंदाल का बहुत बड़ा प्लांट है उसमें बहुत बड़ी आगजनी हुई और जिसकी वजह से वहां आसपास के गांवों के लोगों को भी स्थानांतरित किया गया। और आपको ध्यान होगा कि दिल्ली में मेयर के चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में हाथापाई हुई, जिसमें कुछ लोग दीवार पे चढ़ गए थे, अगर टीवी के न्यूज में आपने देखा हो। और वहां पर भी कुछ हाथापाई हुई, भगदड़ जैसी ही घटना हुई थी, वहां पर लोग जो है स्टेज पे दीवार पे चढ़ गए थे। और चंद्रबाबू नायडू की जनसभा में भी जो हादसा हुआ था उसमें भी एक नाले की दीवार पे कुछ लोग चढ़ गए थे और करीब 10-11 लोग नाले में गिर गए और उस वजह से भगदड़ मची थी। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो समय यात्रा के जरिए भविष्यवाणी करते हैं इतनी सटीक होती है, वो आपको हम समझा रहे हैं। और अभी जनवरी के अंत तक करीब करीब 17 दिन बाकी है और जनवरी के अंत तक हमारे देश में ऐसी कौन सी अब घटना घटेगी जो कि न्यूज़पेपर में और न्यूज चैनल में बहुत बड़ी खबर बन सकती है, उसके बारे में भी मैंने और मेरे सन देवांग ने समय यात्रा की और हमारे दोनों के समय यात्रा का जो हमने सेशन किया अलग अलग समय पे, और दोनों के समय यात्रा में जो बात निकल के आई है वो कॉमन है। आइए देवांग से ही जानते हैं कि हम दोनों की समय यात्रा के दौरान जो कॉमन बात निकल के आई है वो भविष्यवाणी क्या है। आगे आपको भविष्यवाणी की बात सुनते हैं देवांग के ही मुंह से। नमस्कार दोस्तों, तो अब जो भारत में घटना होने वाली है वो कुछ इस प्रकार से है कि 31 जनवरी तक या उससे पहले ऐसी घटना होगी जहां पर एक वीआईपी या वीवीआईपी व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो सकता है और उस हादसे में हो सकता है उनको इंजरी भी हो या वो गिर जाए, ऐसी भी घटना हो सकती है। ये जो वीआईपी व्यक्ति है वो मुझे लगता है या तो राहुल गांधी हो सकते हैं या तो प्रधानमंत्री जी भी हो सकते हैं। तो घटना क्या होने वाली है, आइए देखते हैं। घटना ये होने वाली है कि कोई ऐसी जगह है जहां पर ऐसे कोई सर्कुलर चीज बनी हुई है, यहां पर कोई ज्योत भी है या कुछ ऐसे इवेंट हो रहा है, यहाँ पर बैरिकेड्स भी लगे हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है वो बैरिकेड्स लगे हुए हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऊपर ऐसी रिबन्स लगी हुई हो या डेकोरेशन किया गया है, वहां पर भी कोई नीचे से आके कोई चीज गिरती है। इस घटना में ये भी हो सकता है कि कोई एक इंसान है वहां पर, या तो वो कुछ अनहोनी होने की वजह से वो आग में झुलस जाए या फिर कोई आत्मविलोपन का प्रयास करे, ऐसी घटना भी हो सकती है। कुल मिलाकर बात यह है कि कोई वीवीआईपी या वीआईपी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा हादसा होने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।